क्वेश्चन नंबर थ्री, टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू वन प्लस एक्स स्क्वेयर है. एक्स के लिए क्या लेने के लिए बताया था? इधर टैन थीटा या कॉट थीटा, राइट? किस कुछ भी ले सकते हो. लेट अस टेक लेट एक्स इज इक्वल टू, आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिया? टैन थीटा लिया. चलो मैं आपको कॉट थीटा लेके भी करके दिखा देती हूँ. क्या हो जाएगा? व्हाट इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, तो इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते हैं. तो मैं क्या करूँ? कोसेक थीटा मतलब क्या होता है? वन बाई साइन. सो आई एम राइटिंग दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स वन बाई साइन थीटा माइनस वन अपॉन व्हाट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. नाउ यू टेक द एलसीएम. टैन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. क्लियर? क्योंकि साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा. डू यू हैव फॉर्मूला फॉर वन माइनस साइन थीटा? ये भी आप नोट कर दो. वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा. वन प्लस साइन थीटा मीन्स कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू द होल स्क्वेयर. दिस इज कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू द होल स्क्वेयर. ये याद रखने का फॉर्मूला. इसका एक्सपांड करो, ए माइनस बी द होल स्क्वेयर, ये मिल जाएगा. इसको एक्सपांड करो, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है? सो यहाँ पे वी हैव गॉट वन माइनस साइन थीटा. तो यू कैन राइट वन माइनस साइन थीटा एज, सो आई एम राइटिंग डाउन, आई कैन राइट दिस एज टैन इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू द होल स्क्वेयर. वॉट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू. फॉर्मूला कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है. cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. 2 theta है तो theta, तो theta है तो क्या हो जाएगा? theta by 2. Now this is a minus b the whole square. This is a square minus b square. a square minus b square का formula क्या है? a minus b into a plus b. एक a minus b term cancel हो जाएगा, तो इधर ऐसा रहेगा tan inverse cos theta by 2 minus sin theta by 2 upon cos theta by 2 plus sin theta by 2. ऐसा रहेगा. अगेन ये cos theta by 2 डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या है? 1 होना चाहिए. क्या आया है? cos theta by 2 आया है. तो व्हाट विल यू डू? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos theta by 2 से डिवाइड करना है. क्लियर? नाउ यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक में. मैंने जो स्पाइरल मेथड आप देख लो मैंने कैसे किया, उसमें तो मैंने क्या किया, x is equal to tan थीटा लिया, इसलिए आपको जल्दी जल्दी आंसर आ गया. लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि अरे टेक्स्ट बुक का इधर कुछ आंसर आ रहा है, इधर कुछ और आ रहा है. अब देखो मैं क्या कर रही हूँ. इसके बाद चले रब दिस क्वेश्चन. अब ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस tan थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस tan थीटा बाई टू आएगा. दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan pi by 4 minus theta by 2. That is equal to pi by 4 minus theta by 2. That is equal to pi by 4 minus what? हमने theta क्या लिया है? tan in cot inverse x. Cot inverse x.
बाई टू। ठीक है, आप सोचो आपके पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है पाई बाई टू। क्लियर। अब मैं ये cot इनवर्स x की जगह पर पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स इसमें पुट करूं तो टेक्स्ट जो स्पाइरल वाला आंसर आ जाएगा। आप cot थीटा ले लो tan थीटा लो आंसर सेम आना चाहिए, इसलिए मैं आपको दूसरे मेथड से करके भी वो आंसर लाके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी क्या हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू इंटू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब ये पाई बाई फोर कैंसिल हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। मेथड कुछ भी ले लो मतलब सब्स्टिट्यूशन आंसर तो सेम ही आएगा। क्यों स्पाइरल में मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा लिया, मैं उसका भी रीजन बता देती हूँ। जब बाहर tan इनवर्स है अंदर हम tan में x का ले लेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, इसीलिए और कुछ रीजन नहीं है। cot लिया तो भी आपको आंसर तो आना चाहिए। किसी को दिक्कत आगे जाए सेम वे कंडू। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव देख लो। बाहर क्या है टैन इनवर्स है, ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बी कॉस एक्स। तो क्या करना होगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को बी कॉस एक्स से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके किया एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर फाइव प्लीज गो थ्रू स्पाइरल मेथड, डाउट है तो रेज योर हैंड आई विल एक्सप्लेन। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम करने के लिए सारा फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव अंडरस्टूड, ये है फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये है फॉर्मूला। इसलिए हम क्या बोलते हैं tan इनवर्स बाहर है तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या लाओ, फर्स्ट टर्म को वन लाना ही लाना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, आया ना क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर फाइव में तो आप प्लीज हाथ उठाओ। नो वन रेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव कॉस एक्स प्लस फोर बाई फाइव साइन एक्स। पे अटेंशन, अगर कॉस इनवर्स है अंदर कुछ भी करके हमको कॉस में लाना ही पड़ेगा राइट, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज एक्स राइट। तो कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर कुछ भी करके कॉस ऑफ समथिंग हमको लाने का है। तो मैं सोच रही हूं कॉस के फॉर्म में लाना है तो इधर आई शुड ब्रिंग कॉस, यहाँ पे तेरा टू टर्म्स कॉस अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा फॉर्म में लाना है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग, let me take this term as cos alpha, let 3 by 5 equal to cos alpha and इसको मैं ले रही हूं, लेने की भी जरूरत नहीं डायरेक्टली वो sin alpha हो जाएगा। अगर मैं इसको cos alpha ले लू, ये alpha है ये 3 है ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा that implies 4 by 5 equal to sin alpha। अब ये जो function हो जाएगा cos inverse
What is alpha? Cos inverse 3 by 5 minus x. This is the answer. Up spiral dekh lo. So, ye function bolo, ya ye bolo, one and the same ho gaya. But do you know why are we doing this topics? Simplest form mein kyun la rahe? Actually, in differentiation chapter, you will be given functions in a complicated form. ये complicated है. हमने कुछ कुछ formula use करके simple form में लेकर आ गए. इसको differentiate करने से बोलो, इससे अच्छा मैं इससे इसको differentiate करूँ, easy हो जाएगा ना. तो इसलिए जब भी complicated function आता है, उसको हम क्या करेंगे, पहले simplify करेंगे, उसके बाद उसको differentiate करेंगे. So differentiation chapter में खास करके ये बहुत काम में आने वाला है, इसलिए हम इसको पहले से ही क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके हम काम कर रहे हैं. क्लियर? किसी को दिक्कत? आगे जाए. क्वेश्चन नंबर 7. We know that sine inverse 2x upon 1 plus x square is 2 tan inverse x. Formula pata aapko. Cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square is 2 tan inverse y. Isko main put karun tan half 2 tan inverse x plus 2 tan inverse y. Okay, that equal to tan half 2 into tan inverse x plus tan inverse y. Ye do do cancel. So you have got tan. What is the formula for tan inverse x plus tan inverse y? Tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Right? अब ये दोनों गया, आंसर क्या मिला आपको? x plus y upon 1 minus x. डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब 1 मार्कर 2 मार्कर में आता है. Done or not? और एक क्वेश्चन कर देते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं जो करने जा रही हूं ध्यान से देखना. cos of it is there in page number 69. cos of tan inverse sine cot inverse x. यहाँ पे sine है, यहाँ पे क्या है? cot inverse है. इसको मुझे कुछ भी करके क्या करना होगा? sine inverse में लाना होगा. clear? तो in cot inverse x को मैं क्या करने जा रही हूँ? sine inverse x में लिखने जा रही हूँ. that is equal to, तो फर्स्ट उसके पहले लिख देते हैं, लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा. ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा. cot अल्फा क्या हो जाएगा? x. ये अल्फा है,
कॉट का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो ये एक्स है, ये वन है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मुझे कौन सी फॉर्म में चाहिए? साइन की फॉर्म में चाहिए। अगर कॉट अल्फा एक्स है तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दैट फॉर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कॉट इनवर्स एक्स बोलो या साइन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, वन एंड द सेम। तो मैं ये फंक्शन को भी रीराइट कर रही हूँ, कॉस ऑफ टैन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो गया, क्लियर। तब ये हो जाएगा कॉस ऑफ टैन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इधर कॉस है, इधर टैन इनवर्स है। इधर कॉस है तो क्या चाहिए हमको, कॉस इनवर्स चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूं, ये इसको मैं अभी बीटा ले रही, कुछ और फंक्शन ले रही, आई एम टेकिंग दिस एज बीटा। ओके, लेट टैन इनवर्स वन अपॉन अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बीटा। तो टैन बीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इधर ट्राइंगल बना दो, ये बीटा है, ये वन है, ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट वन प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन हमको कॉस है, इधर क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए। इधर कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई कैन राइट दिस एज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गया। नाउ आई कैन राइट द आंसर एज अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो आपको ध्यान से करने का, पहले इधर साइन है, इधर कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चला गया, अब ये दोनों आया, तो इधर टैन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज द ट्रू, चेक कर लो। Completed, understood? किसी को दिक्कत? ठीक है, चलो then we are going to now solve for x problem. Simplest form में इतना ही है, now I am going to do solve for x, okay? Solve for x questions में आपको question पहले read करने का, solve for x यानी you will be given solve for x, उसमें prove करने के लिए मत बैठ जाओ। Inverse trigonometric function में most of the time students do this mistake. They don't read the question carefully. Solve for x पूछता है, वो प्रूव करने बैठ जाते हैं, तो आंसर तो आएगा ही नहीं, प्रूव भी थोड़ी करने का, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियरली रीड करना होगा। Now come to page number 59.
question number 50, page number 59, solve for x. tan inverse वो जो question देख लो, अभी लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. Okay, so both the side you have tan inverse. Actually, ये rule है tan inverse x is equal to tan inverse y, मतलब x is equal to y. Therefore, I am taking the LCM. ये LCM निकाल के simplify करने के बाद क्या आ रहा है वो ही मैं लिख रही हूँ. Directly, I am writing after the simplification, you get 6x plus 2. Upon 2x into 4x plus 3 after simplification. Okay. Okay. Now you can say that for इसमें से 2 common निकालेंगे 3 1. Okay. So 3x plus 1 into x square equal to 2x into 4x plus 3. अभी इसको भी simplify करके rearrange करोगे आपको ऐसा मिलेगा एक cubic equation मिलेगा. Okay. So you are getting x into 3x square माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ये मिलेगा आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. आई एम नॉट डूइंग सिंप्लीफिकेशन पार्ट. ये मिलेगा एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. तो इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं दैट फॉर इधर एक्स जीरो और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. तो व्हाट आर द फैक्टर्स 18 7 कौन सा दो नंबर है 9 टू जर 18 राइट. तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो ये दोनों ले लो 3x इनटू x माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 0 प्लस 2. तब x का वैल्यू आ रहा है माइनस 2 बाई 3 या x इज इक्वल टू 3. तो यू हैव गॉट एक्चुअली 3 सॉल्यूशंस. 0 आ रहा है माइनस टू बाई थ्री आ रहा है थ्री भी आ रहा है. लेकिन आपको रूल आपको मैंने बताया था ये टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई लर्न करने के टाइम मैंने क्या बताया था आपको रूल के साथ करना है एक्स वाई प्रोडक्ट शुड बी लेस देन वन. दिस एक्स वाई क्या होना चाहिए कंडीशन लेस देन वन होना चाहिए. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा पता नहीं क्योंकि कुछ कॉमन वॉमन नहीं है. तो आप इधर x इज इक्वल टू जीरो पुट करो. पहले x इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे वन इंटू वन अपॉन वन दैट मीन्स इट इज इक्वल टू बी वन. कैन वी से वन लेस देन वन नो. तो x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट द सॉल्यूशन क्लियर. अब नेक्स्ट माइनस टू बाई थ्री ले लो. इसमें माइनस टू बाई थ्री मैंने सब कुछ पुट करके रखा. माइनस टू बाई थ्री पुट करने के टाइम आपको 9 बाई 5 आ रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट लेस देन 1. तो वेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करो 1 अपॉन 2 3 सर 6 प्लस 1 7 1 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन 13 विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. तो एक्स इज इक्वल टू 3 इज द ओनली वन सोल्यूशन. ये है सोल्यूशन. ये नहीं है ये भी नहीं है. सॉल्यूशन आप देख लेना. मैंने कुछ और मेथड से सिंप्लीफाई किया आप चेक कर लेना. हाँ ये इजी पड़ेगा. मैंने डायरेक्टली कर दिया पता नहीं वहां पे मैंने शायद वो
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू, ये उससे किया है, लेकिन ये इजिली फैक्टराइज हो रहा है, वो स्पाइरल में करेक्शन करके रखना तो रख लो। हाँ, पेज नंबर 59 में। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। प्राचिता समझ में आ रहा बेटा? प्राचिता, यक्ष, प्लीज मेक द करेक्शन इन पेज नंबर 59। ये जो सॉल्विंग जो है मैंने इधर फैक्टराइजेशन से किया है, स्पाइरल में मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से किया है, ठीक है, आप देख लेना वो वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू तो आप एज यूजुअल देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थ्री, टैन इनवर्स, शैल आई रब दिस पार्ट? ओके, मैं इसको यहां ले जाती हूं, वो साइन इनवर्स यू नो पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स एक्स इज कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इधर भी इधर साइन इनवर्स है, इधर कॉट इनवर्स है। मैं कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने जाती हूँ। सो आई कैन से अगर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई है तो एक्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा ना, इसीलिए लेट कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आई एम टेकिंग इट एज अल्फा। एक कॉट इनवर्स वहां जाएगा तो कॉट अल्फा इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो अभी ट्राइंगल बना देते हैं, ये अल्फा है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपॉन ऑपोजिट, राइट, तो ऑपोजिट वन है। अब इधर क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्लियर। सो आई एम सेइंग साइन अल्फा क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, therefore साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ कॉट इनवर्स आई कैन से साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, therefore अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना होगा, दैट्स इट, बहुत सिंपल है, चेक कर लो। Finished? आगे जाए, क्वेश्चन नंबर थ्री डन। क्वेश्चन नंबर फोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स
minus 2 sine inverse x equals to pi by 2. इधर ये function जो है ये देखने में छोटा है ना, इसको मैं क्या कर रही हूँ, थीटा ले लेती हूँ. लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा. अब ये साइन इनवर्स को मैं यहां ले जा रही हूं, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा. पाई बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 साइन को क्या करेगा, कॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा. आई एम गोइंग टू राइट कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन. 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, यू कैन से दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 1 माइनस माइनस. नाउ साइन थीटा कैंसिल मत करना, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. आई कैन से साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट इंप्लाइज ईदर साइन थीटा इक्वल टू 0 या साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई 2, दो आंसर मिल रहा है. साइन थीटा 0 होगा या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 होगा. साइन थीटा 0 मतलब x 0, राइट? दैट इंप्लाइज ईदर x 0 या x इज इक्वल टू 1 बाई 2, दो आंसर आ रहा है. हमको पता नहीं कौन सेटिस्फाई करने वाला. चलो पुट करके देख लेते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 साइन इनवर्स 1 है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स x के लिए 0 इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, सो पाई बाई 2. यस इट इज राइट. तो x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, नाउ x इज इक्वल टू 1 बाई 2 सेटिस्फाई करा नहीं करा वो देख लेते हैं. साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई 2. साइन का टेबल 1 बाई 2 कहां पे आता है, 30 डिग्री, पाई बाई 6. तो पाई बाई 6 माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 6 विच इज पाई बाई 3, 30 माइनस 60 विच इज नॉट पाई बाई 2. तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 नॉट सेटिस्फाइड. क्लियर? Very important question. Understood? Only 2, 3. मैम ये cos 2 थीटा कैसे आया? ये वाला साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा बेटा. पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है लेकिन साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना पाई बाई 2 कन्वर्जन में. बाय द वे हु इज आस्किंग? मैम जयदेव. हाँ एक बार वो लास्ट ईयर का जो टेबल के लिए मैंने एक क्लास रखा वो वीडियो एक बार देख लेना. वेरी इंपॉर्टेंट टेबल सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को चेंज करेगा, पाई टेबल चेंज नहीं करेगा वो, बराबर एक बार देख लेना. हाँ थैंक यू. और किसी को दिक्कत है इसमें, आगे जाए? मैम हाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा तो आपने एलएचएस में ट्रांसपोज करके 2 साइन थीटा माइनस 1 किया है, वो समझ नहीं आया बेटा. हमको साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना. हाँ तो ये साइन थीटा को मैं वहां लेकर गई तो 2 sin square theta minus sin theta हो जाएगा. यू कैन नॉट कैंसिल, कैंसिल करने के टाइम एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. तो 2 sin square theta minus sin theta 0 यानी क्या हो जाएगा, sin theta कॉमन निकालेंगे ना. ओके हाँ हाँ ठीक है. नाउ
Now come to page number 58. Come to page number 58. उसमें क्वेश्चन क्या दिया? यही तो क्वेश्चन. अच्छा, उसके पहले बाकी सारा क्वेश्चन का तो मैंने सॉल्यूशन कर रखा, आप देख लेना. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, उसके पहले आप ये क्वेश्चन में आ जाओ. पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 5. Tan inverse under root 1 plus x अब इसमें आप लोग ये मत सोचना कि हम रैशनलाइज करते, नहीं करना है आपको. मैंने अभी भी बताया था 1 plus x में आपको x equal क्या लेना है, इधर cos theta या cos 2 theta लेना है. ओके, लेट x is equal to cos theta ले लो या cos 2 theta ले लो, अप टू यू. आई एम राइटिंग दिस एज tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. रूट 2 इसमें 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 सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, कॉस थीटा बाई 2. कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2. देखो अब इधर क्या आया, दिस टर्म कॉस थीटा बाई 2 को क्या करना है आपको, 1 बनाना. क्या करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे. देन यू नो द प्रोसीजर. ओके, जब भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आता है, टेक एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा. इधर बाई 2 आ रहा है, उसमें बाई 2 नहीं आएगा, दैट्स इट, नो डिफरेंस. उसके बाद आप देख लो कैसे किए. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कभी कभी क्या होता है बता, ये सेम क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स के जगह पर 1 प्लस साइन एक्स होता है. 1 प्लस साइन एक्स, अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया है ना, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर, वो लेके करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा. ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने अभी अभी दिया था ना, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या दिया था, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है तो माइनस. क्लियर, किसी को दिक्कत, आगे जाए. अच्छा, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 57. वेरी सेम क्वेश्चन. देख लो क्या दिक्कत है, एक बार फॉर्मूला तरह हो गया ना तो ये चैप्टर फटाफट फटाफट हो जाएगा. आज आप ऐसा करो कि हम सारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर करने बैठेंगे. तो मेक श्योर दैट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज आर डन थरोली. अगर किसी के पास वो लास्ट ईयर का फॉर्मूला शीट नहीं है, आज निकुंज सर या किसी को पूछो, उन लोग आपको अपलोड कर देंगे लास्ट ईयर का जो फोटो कॉपी अपलोड कर देंगे. लेकिन वो सारा थरोली लर्न करना होगा. इसमें किसी को दिक्कत? नाउ यू कम टू पेज नंबर 58, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पेज नंबर 58, cot इनवर्स 7
ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। आप किसी को भी ए साइड पे शिफ्ट कर दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप इसमें तो क्या किया, 18 को साइड पे शिफ्ट किया, जैसा शिफ्ट करना शिफ्ट करो। दैट इज टू प्रूव लेकिन हमने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही दिया ना, cot इनवर्स को तो नहीं दिया हमको, हमने आपको, तो हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो बट आई नो cot इनवर्स एंड tan इनवर्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। आप cot इनवर्स 7 बोलो या tan इनवर्स 1/7 बोलो, वन एंड द सेम, प्लस tan इनवर्स 1/8। दैट इज टू प्रूव बस। अब LHS ले लो, RHS ले लो, दोनों सेम आएगा। इधर tan inverse 1/7 plus 1/8 upon 1 minus 1/7 into 1/8, 15 upon 56 minus 1, 55 tan inverse 3/11। ओके, कैसे किया मैंने, 8 plus 7 15 and 7 8 are 56 minus 1 55, डायरेक्टली कर दिया एकदम। ऐसा फास्ट फास्ट आपका कैलकुलेशन स्टेप्स आना चाहिए। यहाँ पे देख लो, tan इनवर्स 1/3 माइनस 1/18 अपॉन 1 plus 1/3 इंटू 1/18, 18 minus 3 15। यहाँ पे 18 3 से कितना होता है, 54 plus 1 55। लो ये भी यही आया, tan inverse 3/11। So LHS equal to RHS, hence proved. Clear? With this, जो भी मुझे डिस्कस करना वो सब कर लिया, एंड देर आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई हैव सॉल्व, एक्स्ट्रा कुछ सब कुछ मैंने स्पाइरल में सॉल्व किया, यू गो थ्रू इट। कुछ दिक्कत है तो आप हमको पूछ सकते हो, आज जो भी पढ़ा है उसमें दिक्कत है तो पूछ लो। किसी को डाउट है, रेज योर हैंड। मैम, हाँ मैम, अगर लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया इसके पहले वाला, उसमें टेन 56 पेज पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन, उसमें वो ऐसे डिवाइड करके कर सकते, आपने बोला डिनोमिनेटर में वन बनाना है तो वन लाना ही है ना। हाँ तो ऐसे कर सकते हैं, जिसमें हमने कॉस रखा लास्ट क्वेश्चन में। आज क्वेश्चन में क्या था बेटा, लास्ट क्वेश्चन में क्या गया था बेटा, 56 में फिफ्थ वाला, उसमें अंडर रूट 1 plus x है, उसे डिवाइड करके कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। कर सकते हैं, ठीक है मैम। हाँ, पेज नंबर 73 पे 18 और 21 दो डाउट्स है। पेज नंबर 80 73 पे 18 एंड 21 21 तो अभी अभी हमने किया था ना बेटा। मैम लेकिन 18 में डाउट है, 18 में फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन बेटा।
टेक्सटबुक नहीं है। नाइन पाई बाय एट, नाइन बाई फोर इंटू साइन इनवर्स, वन बाई थ्री इक्वल टू नाइन बाई फोर इंटू कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टू रूट टू बाई, ठीक है। अब ये नाइन 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 गया, ये गया, बाकी क्या इधर, तो दैट इज टू प्रूव फाइव बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई थ्री equal to sin inverse 2 root 2 by 3, यही आपको प्रूव करना है। इन शॉर्ट हमको उल्लू बना के क्वेश्चन बड़ा बड़ा करके दिया है। तो डू यू नो व्हाट इज 5 by 2 minus sin inverse x, दैट इज टू प्रूव cos inverse 1 by 3 equal to sin inverse 2 root 2 by 3, right? हाँ। Okay, now let cos inverse 1 by 3 को तुम अल्फा ले ले, ठीक है। तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, 1 बाई थ्री हो जाएगा ना। हाँ। अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 ही होगा ना। हाँ। साइन अल्फा क्या होगा, 2 रूट 2 बाई 3। यस। कॉस इनवर्स 1 बाई 3 बोलो या साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 बोलो, वन एंड द सेम। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, राइट? यस। चलेगा दिस पार्ट? यस मैम। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया ना बेटा, वो जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था एक्चुअली, इसको ऐसा प्रूव करना था, क्वेश्चन कॉस साइन इनवर्स, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है मानू। ये है ना, यस। टेक दिस इज अल्फा, टेक दिस इज बीटा, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा ये प्रूव करना है। हाँ हाँ हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉट बीटा कॉट बीटा। हाँ हाँ हाँ, वो सब कॉस साइन सब आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम, हर क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी नहीं आया आप पूछ लीजिए बाद में। हाँ हाँ, किसी और पर दिक्कत है मैम? आई हैव अ डाउट। व्हिच क्वेश्चन बेटा? Ma'am, you said tan inverse x is equals to tan inverse y, which means x is equals to y. हाँ, that is so, one one function बेटा, हमने पहले बताया था ना, inverse होने के लिए one one onto होना जरूरी है। तो formula क्या था one one के लिए? F of x one equal to f of x two implies x one equal to x two ना, so सबके लिए valid है ना? हाँ, tan x is equal to tan y मतलब x is equal to y, same is the case for inverse. tan inverse x is equal to tan inverse y मतलब x is equal to y। okay, और किसी का दिक्कत? तो ये चैप्टर आप थरो करो, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया यू सी स्टेप बाय स्टेप, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो, ओके, दिव्या मैडम या निकुंज सर को पूछ सकते हो, क्लियर? सी दैट यू आर डूइंग दिस चैप्टर थरोली, मोस्टली फ्राइडे हम ये चैप्टर का टेस्ट लेने वाले फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली, पहले ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, देन वी विल टेक द अनदर टेस्ट व्हिच इज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। इसकी आज मैडम अपलोड करेंगे क्या है, हाँ ना मैडम? राइट, फ्राइडे कंफर्म है टेस्ट। यस कंफर्म, बस मैसेज कर ही रही हूँ। हाँ ठीक है मैडम, पुट एंड मीटिंग मैडम। यस मैम।